सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, अपने समाज में कुछ ऐसे भी एहसान फरामोश हो गए हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जानने मानने और पहचानने से इनकार करते हैं। ऐसे ही एहसान फरामोशों के लिए कहना है, सोचो भीम को भुलाने से पहले, सोचो भीम को भुलाने से पहले फिर से जिल्लत उठानी पड़ेगी। सोचो भीम को भुलाने से पहले फिर से जिल्लत उठानी पड़ेगी। सोचो भीम को भुलाने से पहले फिर से जिल्लत उठानी पड़ेगी। सोचो भीम को भुलाने से पहले फिर से जिल्लत उठानी पड़ेगी। कौन होगा कौन होगा तुम्हारा मसीहा, फिर से मटकी लटकानी पड़ेगी। कौन होगा तुम्हारा मसीहा, फिर से मटकी लटकानी पड़ेगी। सोचो भीम को भुलाने से पहले फिर से जिल्लत उठानी पड़ेगी। साथियों, हमारे समाज ने बहुत से दुख झेले हैं, बहुत सी प्रताड़नाएं सही है, इसलिए अपने समाज के तमाम बुद्धिजीवियों से अनुरोध करता हूँ कि हमें अपने समाज का भी मूल्यांकन करना चाहिए और उनके बारे में सोचना चाहिए। समझ करके सुनिएगा, बात कड़वी है मगर कहना है, तुमने गफलत का चोला पहना है। तुमको आदत पड़ी गुलामी की, कुत्ते की तुम हो टेढ़ा रहना है। जो भी गम झेल तुमने है अब तक, कुछ तुम्हारी खता भी थी यारो। जो भी गम अपने बाप दादा की बपौती समझते हैं, उन चंद गद्दारों से कहना है, भीम जी ने, ओ भीम जी ने, भीम जी ने दिया है जो तुमको, सन सौगत लौटानी पड़ेगी। भीम जी ने दिया है जो तुमको, सन सौगत लौटानी पड़ेगी। सोचो भीम को बुलाने से पहले रखना, शोषक कभी पोषक नहीं बन सकता है, वह सिर्फ मतलब परस्त होता है, इसीलिए उनसे वफादारी की उम्मीद मत रखिएगा। इसलिए कहना है, कोई दूसरा अंबेडकर कभी बन नहीं सकता, जिसने धन भाव में अपने बच्चों का इलाज नहीं करवाया, लेकिन तुम्हारा हक अधिकार दिलाने के लिए लंदन तक चले गए। साथियों, इसलिए कहना है, अपनी औलाद को कुर्बान किया, तुमको औलाद जैसा मान दिया। देखा था ख्वाब हुक्मरान बनो, उन्हें दुश्मन का दामन थाम लिया। सोचो, अगर आजादी के इतने सालों बाद भी अगर हमारे साथ अभी भेदभाव हो रहा है, तो हमारे पूर्वज, हमारे पुरखों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ कैसा जुल्म होता रहा होगा, सोचने वाली बात है। बड़ी मुश्किल से, हाँ बड़ी मुश्किल से,
किस्मत बची है वरना फिर से लुटानी पड़ेगी। बड़े मुश्किल से असमत बची है वरना फिर से लुटानी पड़ेगी। सोचो भीम को बुलाने से पहले फिर से जिल्लत उठानी पड़ेगी। साथियों, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में रहा करते थे लेकिन कभी उन्होंने अपनी जाति नहीं छुपाई, कभी भी शर्म नहीं किया। और आज हमारे समाज के कुछ लोग सूट बूट पहनकर जय भीम कहने से भी कतराते हैं। सोचो अगर बाबा साहब शर्म किए होते तो तुम शर्म करने लायक नहीं रहते, इसलिए कहना पड़ता है। इज्जत पाने से ज्यादा उधर इज्जत देने में अपने आप को बहादुर समझते हैं, उनसे कहना है। जिसने हम दर्द बन के लूटा है उसी का साथ नहीं छूटा है। वक्त है अभी संभल जाओ तुम, कसूर था जो आज फूटा है। साथियों, समाज को नजरअंदाज करने वाले कभी बहादुर नहीं कहे जा सकते हैं, वे हमेशा गद्दार ही कहे जाते हैं, इसलिए कहना पड़ता है। खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, खूबसूरत हो कितना भी चेहरा,